दिवाली के शुभ अवसर पर हर साल अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पर चौक स्थित कोतवालेश्वर महादेव मंदिर जी के गुरु जी श्री विशाल गौर जी ने बहुत प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि 2020 में जब अयोध्या में मंदिर की नींव रखी जा रही थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर मौजूद थे और दोबारा उनके अयोध्या आगमन पर पूरा संत समाज और हिंदू समाज बहुत ही आनंदित है। जी अयोध्या में भव्य आगमन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितनी ज़्यादा उत्साह आप सभी में देखने को मिल रहा है? मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वह अपना हिंदी में बहुत समय निकाल करके अयोध्या आगमन कर रहे हैं और मैं प्रदेश के समस्त साधु संतों की ओर से उनका हृदय से बहुत 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 आभार व्यक्त करूँगा उनका आगमन होगा। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी सन 2020 में 5 अगस्त को जब भूमि पूजन हुआ था तब वह उपस्थित हुए थे एवं अब 2 साल बाद जो है दीपोत्सव कार्यक्रम में आ रहे हैं और मैं अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा उनका भी कि वो जो है वो जब से उनकी सरकार बनी सन 2017 से तब से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता के साथ चलता आ रहा है। आपने देखा होगा सन 2017 में जब पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था तब 1,38,000 दिए जगह थे, उसके बाद 1,50,000 दिए जगह, फिर 1,75,000 दिए जगह, मतलब उत्तर प्रदेश अपने ही दीपोत्सव कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और अब फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश ने बनाया था कि पिछली बार जो है 11,50,000 थे, इस बार 15,00,000 दिए जगह तो। और मैं आपको क्या बताऊँ, समस्त साधु संतों के दिल पर इतना उत्साह है कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती और मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ी तरह से आभार व्यक्त करूँगा। और आप देखिएगा जल्दी जैसा कि उसको मालूम पड़ा है कि सन 2024 में मकर संक्रांति के दिन भगवान रामलला को उनके गर्भगृह जो नया स्थान उनका बन रहा है मंदिर बन रहा है उस गर्भगृह में भगवान को बैठा दिया जाएगा और उसी साल सन 2024 में रामनवमी वाले दिन मंदिर का उद्घाटन की तैयारी चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही दर्ज बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, आपने इससे पहले देखा होगा कि पिछली सरकारें जो रही हैं क्या होता था, जहाँ जो राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा उठाते थे वहाँ के साधु संत, वहाँ जो उनको लाठियाँ बांध दी जाती थी वहाँ उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये आज आप अगर गलत ना देखिए तो ये आज त्रेता ही युग है कि जो जो है हम लोग जो है इतनी संस्कृति का व्याख्यान हो रहा है। और आप अगर जाएंगे वहाँ पर अगर उस दिन के दृश्य को आप अवलोकन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कलयुग में नहीं, मैं द्वापर में, मैं सबने त्रेता युग में खड़ी हूँ, भगवान राम आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री को हृदय से बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारा शुक्रिया। हमारे प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे दिवाली का? मैं समस्त प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से एवं प्रदेश के समस्त साधु संतों की तरफ से हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेरित करूँगा। बाबा महाकाल, बाबा कोतवालेश्वर एवं समस्त जितने भी मंदिर हैं सभी के आशीर्वाद बना रहे सब पे और भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ और सभी का त्यौहार हिंदुत्वास के साथ जाओ, सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।